इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिख कर आ जाता है जहाँ पर वो कैंसलिंग में चला जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। जब भी कोई हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो कैंसिल क्यों हो रहा है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेसिकली VLC प्लेयर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा था लेकिन वो अपने आप कैंसलिंग हो रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम क्यों आ रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अपने प्ले स्टोर में आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली एक एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा और इसको मैं अब डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमसे नीचे परमिशन मांगता है आप यहाँ पर किस तरह से इसको इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप इससे इस गेम को कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब मोबाइल डेटा से या फिर वाईफाई से। तो आप यहाँ पर अगर वाईफाई इज़ अवेलेबल पर क्लिक करते हैं तो ये वेटिंग वाईफाई में चला जाता है और ये बाद में जाकर अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। तो ये तो होती है पहली दिक्कत, अगर आप मोबाइल डेटा से भी कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप कैंसिल हो रहा है। तो इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर ये आता है कि आपके फ़ोन में स्टोरेज काफ़ी कम है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है आपके फ़ोन की स्टोरेज क्या है। स्टोरेज चेक करने से पहले आपको जो गेम आप जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका साइज़ देखना है। बेसिकली जो साइज़ होता है वो यहाँ पर आता है, देख सकते हैं ये जो साइज़ है इस गेम का वो लगभग 570 MB का है। तो हमें हमारे फ़ोन में लगभग 1 GB यानी कि जितना साइज़ इस फाइल का है, ऐप गेम का है, उससे 2 गुना ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फाइल्स में आऊँगा और यहाँ पर देखूँगा हमारे पास कितना स्टोरेज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज अभी मेरे पास 45 GB का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज हमारे जो डिवाइस है हमारे फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, इससे कि हमारा जो गेम एप्लीकेशन है वो आसानी से डाउनलोड हो सके। एंड उसके बाद यहाँ पर आप आकर आपके जो भी ऐप गेम वगैरह जो डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं वो करना है, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, आप अपने प्ले स्टोर का जो है डेटा को यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ पर डेटा एंड कैचे में आकर यहाँ से हम अपने प्ले स्टोर का जो है डेटा हटा सकते हैं, जिससे कि सेटिंग वगैरह अगर कुछ बिगड़ जाती है तो सेटिंग नॉर्मली फिर से पहले जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर हम स्टोरेज और क्लियर कैच दोनों ही को क्लियर करेंगे। ये सारी ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।